बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सातकैन एजुकेशन सर्विसेज। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर क्लास वन स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम। ओके क्लास वन, टुडे वी विल डू द टॉपिक ऑफ काउंटिंग इन थ्रीज एंड काउंटिंग इन फोर्स ऑन आवर मैथ्स बुक पेज नंबर 97 एंड 100। टुडे वी विल कम्प्लीट काउंटिंग इन थ्रीज एंड काउंटिंग इन फोर्स। क्लास वन हम काउंटिंग इन टूस का टॉपिक क्लास में अपनी कम्प्लीट कर चुके हैं। अब बेटा मैं आज आपको काउंटिंग इन थ्रीज और काउंटिंग इन फोर्स का टॉपिक जो है आपकी बुक में कम्प्लीट करवा रही हूँ। ओपन योर मैथ्स काउंट डाउन बुक पेज नंबर 97। ओके, ऑन बुक पेज नंबर 97 first of all of you write down the date and homework, write down the date and homework, multiplication threes, count in threes and write the missing numbers, count in threes and write the missing numbers। बेटा हम काउंटिंग जो करेंगे कंप्लीट जो करेंगे, मैंने आपको टू में काउंटिंग करना कंप्लीट सिखाई थी, अब हम काउंटिंग जो कर रहे हैं वो कंप्लीट कर रहे हैं काउंटिंग इन थ्रीज। थ्रीज पे आपने काउंटिंग करनी है, यानी कि जो नंबर हमें गिवन है उसके बाद आपने थ्री नंबर और काउंट करने हैं। थ्री नंबर हम और काउंट करेंगे, वी विल काउंट थ्री फर्दर। ठीक है, ज़ीरो इज गिवन हेयर, नाउ काउंट थ्री मोर आफ्टर ज़ीरो। वॉट विल कम आफ्टर ज़ीरो? वन, वन टू थ्री। बेटा थ्री ही आप जो है थ्री मैंने काउंट करना है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ अपनी एक फिंगर पे काउंटिंग करूँगी। ये थ्री मेरे पास ब्लॉक्स हैं तो इसी पे आपने काउंटिंग करनी है मेरे साथ। ज़ीरो यहाँ पे गिवन है, ज़ीरो के बाद से आपने काउंट करना है। वन टू थ्री, थ्री विल कम हेयर, राइट थ्री, ऑल ऑफ यू राइट थ्री विथ मी। देन सिक्स इज रिटन हेयर, चेक इट इज़ करेक्ट और नॉट। काउंट थ्री मोर आफ्टर थ्री, थ्री फोर फाइव सिक्स, इट मीन्स इट इज करेक्ट, सिक्स इज ऑलरेडी रिटन ऑन योर बुक। नाउ काउंट थ्री मोर आफ्टर थ्री, आफ्टर सिक्स काउंट थ्री मोर, सेवन एट नाइन, राइट डाउन नाइन हियर। देन आफ्टर नाइन काउंट थ्री मोर, चेक इट इज करेक्ट और नॉट। नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व, टेन एलेवन ट्वेल्व, यस ट्वेल्व इज करेक्ट। देन काउंट थ्री मोर आफ्टर ट्वेल्व, थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, राइट डाउन फिफ्टीन ईयर। देन लास्ट एटीन, चेक इट इज करेक्ट और नॉट। फिफ्टीन काउंट थ्री मोर आफ्टर फिफ्टीन, सिक्सटीन सेवनटीन एटीन, इट इज़ करेक्ट। इस तरह से बेटा आपने जो है काउंटिंग इन थ्रीज कंप्लीट करनी है। आपने थ्री में काउंटिंग करनी है, जो नंबर आपको गिवन है उसके बाद आपने थ्री और काउंट करनी है, मतलब उस नंबर के बाद से, उस नंबर के आगे से आपने थ्री नंबर्स और काउंट करने हैं, क्योंकि आप काउंट कर रहे हैं थ्री में, थ्रीज में काउंट करना है, तो इसने आपने फिल करना है। ठीक है, नाउ काउंट कम ऑन बी, बी थ्री काउंट थ्री मोर, फोर फाइव सिक्स, राइट डाउन सिक्स हियर। देन काउंट थ्री मोर, सेवन एट नाइन, नाइन इज करेक्ट। देन काउंट थ्री मोर, टेन इलेवन ट्वेल्व, राइट डाउन ट्वेल्व हियर। देन काउंट थ्री मोर, थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, इट इज़ करेक्ट। देन काउंट थ्री मोर आफ्टर फिफ्टीन, सिक्सटीन सेवनटीन एटीन, राइट डाउन एटीन। देन चेक योर आंसर इज करेक्ट और नॉट। एटीन काउंट थ्री मोर आफ्टर एटीन, नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन,
बेटा आप जब इन आप यहाँ से जो आपने आंसर राइट किया उसके बाद भी आप काउंटिंग करेंगे, अगर जिस तरह यहाँ पे आपने सिक्स के बाद आपने थ्री और काउंट किया तो आपका आंसर भी चेक हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने आंसर सही लिखा होगा बेटा, आपका आंसर सही काउंट किया होगा तो आपका जो नेक्स्ट नंबर होगा वो ठीक आएगा, मतलब वो नाइन ही आएगा। जैसे सिक्स के बाद मैंने काउंट किया थ्री में तो इसका मतलब है मेरा आंसर ठीक है यहाँ पे सिक्स, तभी मेरा नेक्स्ट नंबर नाइन आ रहा है। तो इस तरह आपके आंसर्स भी खुद ही चेक हो जाएंगे मिसिंग नंबर्स के, आप गलत नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नाउ काउंट मोर सी, ट्वेल्व, काउंट थ्री मोर, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, देन काउंट थ्री मोर, सिक्सटीन, सेवनटीन, एटीन, एटीन इज रिटन हियर, काउंट थ्री मोर आफ्टर एटीन, नाइनटीन, ट्वेंटी, 21, write down 21, then 22, 23, 24, 24 is already written, now count 3 more after 24, 25, 26, 27, अब 27 के बाद आपने 3 और count करने हैं, 28, 29, 30, 30 is written। बेटा आपको समझ आ रहा है कि थ्री के बाद जो भी नंबर गिवन है उसके बाद से आपने काउंटिंग करनी है, क्लास वन आपने उसके बाद से काउंटिंग करनी है। जैसे यहाँ पे ज़ीरो, ज़ीरो हमें गिवन था तो हमने ज़ीरो के बाद से काउंटिंग की, वन, टू, थ्री, थ्री और काउंट किए। मैं थ्री पे क्यों काउंटिंग कर रही हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर काउंटिंग करें काउंट इन थ्रीज, काउंट इन थ्रीज, ओके। नाउ काउंट थ्री मोर आफ्टर नाइन, टेन, इलेवन, 12, write down 12 here, then 13, बेटा यहाँ पे नंबर गिवन नहीं है, अब 12 के बाद से आपने काउंट करना है, यहाँ पे नंबर गिवन नहीं है। जिस तरह यहाँ पे एक नंबर के बाद फ़ौरन गिवन था, अब यहाँ पे गिवन नहीं है, इस तरह भी आप जो है प्रैक्टिस करें। 12 के बाद आपने 3 और काउंट करने हैं, 13, 14, 15, वेरी इजी, 15, देन 16, 17, 18, 18 is written here, 18 count 3 more after 18, 19, 20, 21, write down 21, then 22, 23, 24, count 3 more, 25, 26, 27, write down 27, ओके। काउंटिंग इन थ्रीज इज कंप्लीटेड। नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑन बुक पेज 97। काउंट इन थ्रीज, कलर द स्क्वायर्स इन ब्लू। अच्छा, अब आपने बेटा काउंटिंग करनी है, आप किस तरह काउंटिंग करेंगे, आपको पूरा स्क्वायर दिया हुआ है जिसमें 100 तक काउंटिंग गिवन है, अब आपने प्रॉपर काउंटिंग करनी है, थ्री आपने काउंट करने हैं, वन, टू, थ्री, थर्ड में बेटा यहाँ पे ऑलरेडी कलर हुआ हुआ है, ठीक है, ब्लू में आपने ब्लू कलर आपने यूज़ करना है। फिर थ्री के बाद फोर, थ्री और काउंट करेंगे, फोर, फाइव, सिक्स, थ्री नंबर और काउंट कर रहे हैं तो सिक्स पे आपने किया, फिर थ्री और काउंट करेंगे, सेवन, एट, नाइन, नाइन, अब आपने थ्री और नंबर काउंट करने हैं, ठीक है, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, कलर ट्वेल्व, देन काउंट थ्री मोर, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, थर्ड नंबर पे बेटा आपने कलर करना है, जो आप काउंट कर रहे हैं थर्ड नंबर पे आपने कलर करना है। जैसे यहाँ पे वन, टू, थर्ड नंबर पे आपने कलर किया जो थर्ड ब्लॉक है, ठीक है, फिर फोर, फाइव, सिक्स, फिर सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, सेवनटीन, एटीन, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, skip two blocks and color the third one। यहाँ पे आप इस तरह भी कर सकते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम हो कि आपने स्किप करना है टू ब्लॉक्स और थर्ड नंबर पे आपने कलर करना है, ठीक है, आप काउंट कर रहे हैं थ्री में,
3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 27 3 10 30। बेटा 30 तक मैंने आपको स्किप करके जो है कलरिंग मैंने आपको बता दी किस तरह कंप्लीट करनी है। आप 30 के बाद आपने 3 और करने होंगे, तो 1 2 3, फिर 1 2 3 1 2 3, थर्ड नंबर पे आपने कलरिंग कंप्लीट करनी है। 39 तक मैंने बेटा 40 तक यानी कि मैंने आपको बता दिए। आप बाकी की जो कलरिंग होगी वो आप खुद कंप्लीट करेंगे खुद, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो। बेटा आपने खुद से कंप्लीट करनी है। 3 3s में आपने काउंट करना है 39 के बाद 1 2 42 3 1 2 3, इस तरह आप जो है ये कलरिंग आपकी जो आपका पूरा स्क्वायर है इस पर आप खुद कंप्लीट करेंगे। डू दिस पेज द रिमेनिंग वर्क बाय योरसेल्फ एंड कॉपी डाउन दीज नंबर्स ऑन बुक पेज नंबर 97। नाउ कम ऑन बुक पेज नंबर 100, दैट इज काउंटिंग इन फोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द डेट एंड होमवर्क ऑन दिस पेज ऑल्सो। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द डेट हेयर एंड होमवर्क, देन स्टार्ट काउंटिंग विथ मी। Count in fours and write the missing numbers. Very simple topic बेटा। अब जो है counting आपने करनी है fours में। अभी तक आप मेरे साथ counting कर रहे थे, वो three में की आपने complete। अब आपने counting करनी है fours में, तो आप बेटा four time जो है आप skip करेंगे, ठीक है। फिर आपने fours four के हिसाब से आपने counting करनी है। जैसे यहाँ पे zero given है, zero के बाद आपने फोर और काउंट करना है। जीरो, काउंट फोर मोर, 1 2 3 4, फोर विल कम हेयर। देन फोर के बाद बेटा यहाँ पे चेक करें कि फोर के बाद एट आएगा। अगर आप फोर और काउंट कर रहे हैं, फोर के बाद से आपने काउंट करना है 5 6 7 8। एट इज रिटन हेयर। देन काउंट फोर मोर, 9 10 11 12, राइट डाउन 12 हेयर। ओके, देन काउंट फोर मोर, 13 14 15 16 16 इज रिटन। देन काउंट फोर, 17 18 19 20। ओके क्लास, देन काउंट फोर मोर, 21 22 23 24 24 इज़ रिटन हियर। बेटा आप फोर में काउंटिंग कर रहे हैं, आप फोर ब्लॉक्स यूज़ करेंगे, अपनी फिंगर्स पे काउंटिंग करेंगे। फोर ब्लॉक्स आपने यूज़ करने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। जो नंबर गिवन है, जो भी नंबर आपको गिवन है, उसके बाद से आपने उस नंबर के आगे से आपने काउंट करना है। जो ज़ीरो के आगे से मैंने काउंट किया, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो उसके नंबर के आगे से आपने काउंटिंग अपनी कंप्लीट करनी है। नाउ कम टू बी, 12 is written here. Now count 4 more. 13, 14, 15, 16. Write down 16 here. Okay, now count 4 more after 16. 17, 18, 19, 20. 20 is written here. Then count 4 more. 21 22 23 24 24 is written here. Now count 4 more, 25 26 27 28, write down 28 here. 28, then count 4 more, 29 30 31 32 32 is written. Okay, now see, 4 is given. Now count 4 more, count in fours. Then 4 is written here. Now count 4 more, 5 6 7 8. Then check your answer, 9 10 11 12 12 is written here. 13 14 15 16 16, then count 4 more, 17 18 19 20.
20 is written. Now count 4 more to complete the next block. 21, 22, 23, 24. Write down 24. Then check your answer, it is correct or not. 25, 26, 27, 28. बेटा जब मैं आगे की काउंटिंग इसलिए कर रही हूँ ताकि मैंने जो नंबर राइट किए हैं वो चेक हो जाएं कि मैंने सही किए हैं या गलत किए हैं, ठीक है? तो बेटा आपने ये कंप्लीट करनी है काउंटिंग, ठीक है? नाउ कम टू नेक्स्ट. ओके स्टूडेंट्स, डू डी बाय योरसेल्फ. डी की जो काउंटिंग है आपने खुद से कंप्लीट करनी है ताकि आप थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए. बेटा मैंने 3 आपको कंप्लीट करवा दिया, अब आपको 4 में काउंटिंग करना आ गई होगी. बहुत आसान है, जो नंबर गिवन है उसके बाद से आपने उस नंबर के आगे से आपने 4 में बेटा और काउंटिंग करनी है. जिस तरह यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है ये नंबर ही, 16 के आगे से आपने काउंटिंग करनी है. तो 20 जो भी नंबर आएगा वो आपने यहाँ राइट करना है. फिर जो नंबर यहाँ पे आप राइट करेंगे तो उसके आगे से फिर आपने काउंटिंग करना है 4 मोर, ठीक है? फिर आप 4 और काउंट करेंगे तो चेक करेंगे अपना आंसर कि 28 ही आ रहा है, ठीक है? 28 के बाद से आपने जो है और 4 काउंट करने है, फिर 4 और काउंटिंग कंप्लीट करेंगे और फिर 4 और आपने काउंट करके अपना चेक करना है कि आंसर आपका जो है 40 पे एंड हो रहा है या नहीं. इस तरह आपकी काउंटिंग इन फोर्स जो है कंप्लीट हो जाएगी. वेरी इजी टॉपिक. यू हैव टू कंप्लीट द डी बाय योरसेल्फ. नाउ कम टू नेक्स्ट. काउंट इन फोर्स कलर द स्क्वायर्स इन ग्रीन. अब जो है बेटा आपने जो काउंटिंग करनी है वो करनी है काउंट इन फोर्स. अभी मैंने आपको प्रीवियस पेज पे जो 97 जो पेज पे हमने कंप्लीट किया वो थी हमारी काउंटिंग इन थ्रीज. उस पर मैंने कलरिंग करवाई जो है आपको 40 तक कंप्लीट करके मैंने आपको बताया था किस तरह आपने कंप्लीट करना है और आपने ब्लू कलर यूज़ करना है. अब जो है बेट पेज नंबर 100 पे आप जो काउंटिंग करेंगे, जो काउंट इन फोर्स करेंगे, आप ग्रीन कलर यूज़ करेंगे. आई एम यूजिंग ग्रीन कलर. ओके 1, 2, 3, 4. 4 तक काउंटिंग हुई है, 4 नंबर पे कलर हो गया. 1, 2, 3, 4. 8 पे कलर हो गया. अब आप इसी तरह काउंट करें. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. It quite easy for you. 1, 2, 3, 4. 3 नंबर के बाद 4 में आपने काउंटिंग करनी है, 3 नंबर स्किप होंगे बेटा, उसके बाद 4 नंबर पे आपने कलर करना है. लेकिन आप जब स्टार्ट करें तो आप यहीं से स्टार्ट करिएगा, फर्स्ट नंबर से. 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी हुआ हुआ है, फिर 5, 6, 7, 8 हुआ हुआ है, फिर आपने 9 से स्टार्ट करनी है. 1, 2, 3, 4 12, फिर 1, 2, 3, 4 16, 1, 2, 3, 4 20, 1, 2, 3, 4 24, 1, 2, 3, 4 28, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 कलर द फोर्थ वन. 1, 2, 3, 4 आप इस तरह 4 में काउंट करेंगे और आप अपनी कलरिंग कंप्लीट करेंगे. जो रिमेनिंग है 40 तक, मैंने यहाँ इस पेज पे भी मैंने 40 तक कंप्लीट करवा दी है, ठीक है? क्लास 1 आपने 100 तक आपने खुद कंप्लीट करनी होगी. इसी तरह आप जो है 40 के पास है, 1, 2, 3, 4 44 पे कलरिंग करेंगे, फिर 1, 2, 3, 4 48. आप खुद जो है 4 नंबर्स पे काउंट करेंगे और हर 4 नंबर पे आपने कलरिंग करनी है विथ अ ग्रीन कलर. यूज़ ग्रीन कलर फॉर इट. ओके मैं आपको एक दफ़ा फिर समझा दूँ. यहाँ पे आपने जो है बेटा कलरिंग करनी है, ब्लू कलर आपने यूज़ करना है. इसी तरह काउंटिंग करेंगे. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. थर्ड नंबर पे कलर करना है. 1, 2, 3. काउंटिंग इन थ्रीज आप कर रहे हैं. 1, 2, 3, 1, 2, 3. हर थर्ड नंबर पे आप कलरिंग करेंगे, ठीक है? और यहाँ पे आपने हर फोर्थ नंबर पे कलरिंग करनी है. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 में काउंट करते जाएं और हर फोर्थ नंबर पे कलरिंग कंप्लीट करें. ओके क्लास 1, यू हैव टू कंप्लीट बोथ द पेजेस इन वेरी गुड हैंड राइटिंग. डू योर वर्क नीट एंड क्लीन एंड प्रॉपर.
Okay, till then, take very good care of yourself. Allah Hafiz, class 1.